ताइवान से चल रही तनातनी के बीच चीन ने शांतिपूर्ण तरीके से एकीकरण करने का फैसला लिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के साथ एकीकरण करने का संकल्प लिया है। चीन में अंतिम शाही वंश को समाप्त करने वाली क्रांति की 110वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर राजधानी बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बोलते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान के साथ एकीकरण होते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी बिल्कुल हांगकांग में इस्तेमाल होने वाली पॉलिसी की तरह है। इस सिस्टम का आमतौर पर ताइवान में विरोध किया जाता रहा है। जिनपिंग का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ताइवान जलाद मरुमध्य में सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। जिनपिंग ने कहा कि चीन के साथ एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ताइवान स्वतंत्रता बल थे। जो लोग अपनी विरासत को भूल जाते हैं, अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करते हैं और देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, उनका कभी भला नहीं होगा। इसलिए चीन शांतिपूर्ण तरीके से एकीकरण करना चाहता है। जिनपिंग ने आगे कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन के आंतरिक मामलों में से एक है और इस वजह से उनका देश बाहर से की जाने वाली हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन के पूर्ण एकीकरण के कार्य को जरूरी ही हासिल किया जाना चाहिए और इसे जरूर हासिल किया जाएगा। दरअसल चीनी कम्युनिटी पार्टी गृह युद्ध के बाद ताइवान पर कब्जा करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन चीन अभी भी ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और इसे बलपूर्वक कब्जाने पर जोर देता है। हालांकि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर देखता है। चीन कई बार ये कह चुका है कि वो ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करेगा। अब उसने साफ कह दिया है कि वो ताइवान के साथ एकीकरण करने वाला है। बता दें, क्रांति की वर्षगांठ ऐसे मौके पर आई है जब चीन और ताइवान के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। चीन लगातार लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेज रहा है। वहीं पास के जल क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। शुक्रवार को ही बीजिंग ने वॉशिंगटन से कहा था कि वो ताइवान समझौते के तहत अपने सैनिकों को ताइवान से दूर रखें, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना के सलाहकारों को ताइवान में तैनात किया था। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।